अगर जुनून सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ बांदीपोरा के मोहम्मद इस्माइल मीर के साथ। मोहम्मद इस्माइल बचपन से ही विज्ञान और प्रयोगों में विशेष रुचि रखते थे। मोहम्मद इस्माइल मीर को भले ही स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा के चलते अनेकों अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए और विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। विज्ञान में उनकी खास दिलचस्पी और ज्ञान ने उन्हें अपने शिक्षकों का चहेता बना दिया था। कॉलेज में उनके गुरु गुलाम हसन मलिक ने उनके विज्ञान के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें न्यूटन की उपाधि तक दे दी थी। तालीम मैंने मतलब छोड़ दी और वजह यह हुआ कि उस्ताद के साथ बनी नहीं मुझे, क्योंकि मैं मतलब जानता था पूरा, मतलब किसी उस्ताद को ठीक नहीं लगता है कि मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ, उस्ताद नहीं जानता है। उसको थ्योरी में चलता है, प्रैक्टिकल में नहीं। वो सबूत होता है ना उस्ताद के लिए कि कैसी प्रैक्टिकल, क्या मतलब ये जानता है, हम नहीं जानते हैं। ये उसका भी हो गया थोड़ा इशू। तो फिर क्या हुआ कि मैंने छोड़ दिया। वो इधर से एक कंपनी थी, टीवी कंपनी आई थी उन दिनों 86 में और 87 में, तो उनके साथ मैंने किया। वो उन्होंने मतलब एडवर्टाइज निकाली पेपर में कि हमें इधर टेक्सला को ये सर्विस इंजीनियर्स की ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं भी गया उधर इंटरव्यू देने के लिए। जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने फिर मेरे साथ ही बात की सारी, तो उन्होंने कहा बस आप ठीक है। तो मैं लग गया टेक्सला टीवी सर्विस इंजीनियर। और उतना ही नहीं, मैं टेक्सला टीवी में बारामूला में उनका था हेड ऑफिस था उधर टेक्सला का, डिस्ट्रिक्ट जो था डीलर उनके साथ उधर टायर रहा मुझे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो उस वक्त कुपवाड़ा बारामूला सोपोर बांडीपोरा इकट्ठे था, तो करता था मैं उधर। जो ये इनोवेशन्स का है, सबसे पहले मैंने जो इनोवेशन्स की है, ये मैंने बड़ी इनोवेशन, छोटी छोटी मैंने इतनी इनोवेशन्स की है, वो आज इंटरनेट पर इजीली दस्तयाब है। ट्रांजिस्टर से के ज़रिए या कोई भी सर्किट बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, वो तो आम बात है आज। उन दिनों बहुत मसला था, ट्रांजिस्टर मिलना भी मार्केट में मसला था, उसको टेस्ट करना भी मसला था। तो वो मैं सब जानता था उस वक्त, तो काफ़ी चीज़ें बनाई थी मैंने। मगर बड़ी जो इनोवेशन है मेरी, मैंने एक 3 किलोमीटर का रेडियो स्टेशन बनाया। रेंज 3 किलोमीटर था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर वो था, उसको वो मैंने बनाया उस वक्त 1978 में मैं बनाया मैंने वो रेडियो स्टेशन। दूसरा मैंने बनाया ब्रशलेस मोटर मैंने बनाया। एक्चुअली जब मैं पीयूसी में पढ़ रहा था उस वक्त हमारा उस्ताद था गुलाम हसन मलिक साहब, बहुत काबिल था, काफ़ी काबिल था वो। तो उसके साथ डिस्कशन होती थी साइंस के बारे में, खासकर न्यूटन के लॉज के बारे में। उसी ने मुझे फिर न्यूटन कहना शुरू किया। तो हालांकि मैं शर्माता था काफ़ी उस नाम से शर्माता था मैं, तो इस वक्त भी मैं न्यूटन कहाँ और मैं कहाँ, ये तो सीधी सी बात है। तो मगर लोग कह रहे हैं तो अब क्या करेंगे, तो ये तो नाम लग गया है, अब हर एक ज़बान पर हो गया है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, लोग खुश होते हैं तो मैं भी खुश हूँ, चलो ठीक है। फ्यूचर का प्लान है, मैं कोशिश करूँगा जो भी मुझे आइडिया आएगा लोगों तक पहुँचाऊँगा, और लोगों की बहबूद के लिए जो भी आइडिया आएगा उसको करूँगा मैं। और मेरा जब आइडिया आता है तो मैं उस आइडिया को मुकम्मल करके ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो जितने भी मुझे आइडिया आ गए मैंने मुकम्मल किए हैं, करता हूँ। मगर क्या है कि वसाइल के मसले हैं कश्मीर में। इधर क्या है कि इधर वसाइल उतने नहीं है, इधर कोई पार्ट बनाना हो नहीं बन सकता है, इधर बाहर जाना पड़ता है। और कोई आइटम ज़रूरत हो मुश्किल से मिलता, आज तो ऑनलाइन है, पहले ज़माने में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वो सामान मंगाना पड़ता था, जब किसी के पास निकलता तब आता, नहीं निकलता तो पट जाता था उधर ही। तो आज तो मिलता है सामान, मगर ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, और कोई सामान मिलता है कोई नहीं मिलता है। तो वसाइल की ज़रूरत है इस वक्त, और जो भी मुझे आइडिया आएगा मैं इंशाल्लाह लोगों के बहबूद के लिए वो उसको पाए तक मिल तक करूँ लाऊँगा उस आइडिया को। मैंने नाउ इनोवेशन्स दिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पिछले साल, तो मैं उन पर भी काम करता हूँ, और आगे भी मैं फ्यूचर में जो भी आइडिया आएगा वो उस पर काम तो रखूंगा मैं।
फायर अलार्म, लालटेन, स्मोक अलार्म आदि ऐसे ही अनेक उपकरण आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर उन्होंने तब बनाए जब साल 1984 में आम जन इनके बारे में जानते तक नहीं थे। कोविड के समय में भी मोहम्मद इस्माइल का अतुलनीय योगदान स्थानीय निवासियों और देश के लिए वरदान साबित हुआ। कश्मीर के न्यूटन के अनेक छोटे छोटे आविष्कार सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ उन्होंने कुछ बड़े सफल आविष्कार भी किए जो इनकी प्रसिद्धि का कारण बन गए।